and the bamboo. This is a new story of your second UT of moral science, Fern and the Bamboo. It was one seemingly ordinary day when I decided to quit. Quit matlab give up kar dena. तो कह रहे एक ऐसा दिन आया, एक ऑर्डिनरी एक ऐसा ही दिन था जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, उस चीज़ से गिव अप कर देना चाहिए. ऑल ऑफ अ सडन आई मेड अ डिसीजन टू क्विट माई जॉब, माई रिलेशनशिप एंड फाइनली माई स्पिरिचुअलिटी हैविंग टू डू विद द स्पिरिट. मतलब उन्होंने सोचा मैं किसी भी चीज़ से, जो भी ये है, जो भी ये पर्सन बात कर रहा है वो यही बता रहा है कि एक ऐसा ऑर्डिनरी सा दिन आया और मैंने सोचा कि मैं सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन क्विट करने का मेरे मन में, गिव अप करने का मेरे मन में आया. कोई रिलेशन हो वो, मेरी अगर जॉब है वो, स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान से भी मेरा भरोसा उठ गया. कि कहते हैं ना, आज से पूजा पाठी नहीं करूँगा, ठीक है. आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विट माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ ही क्विट करनी थी. बट बिफोर दैट आई वेंट टू द वुड्स टू हैव वन लास्ट टॉक विद गॉड. लेकिन उससे पहले वुड्स में मत जाना, मतलब जंगल में जाना, फॉरेस्ट में जाना, क्योंकि वुड्स वहीं होते हैं ना, पेड़ वहीं दिखते हैं ना, तो वुड्स का मतलब यही होता है. बट बिफोर दैट आई वेंट टू द वुड्स टू हैव वन लास्ट टॉक, एक आखिरी बार मैं भगवान से बात करना चाहता था. आई स्टार्टेड, उसने शुरू करा, गॉड यू कैन यू गिव मी वन गुड रीज़न नॉट टू क्विट. क्या आप मुझे एक अच्छा रीज़न दे सकते हैं, सिर्फ एक रीज़न कि मैं अपनी लाइफ से क्विट क्यों ना करूँ. I was surprised to hear my inner voice. और मेरी अंदर आत्मा ने मुझे, मैं सरप्राइज हुआ कि जब मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आई, look around, it said, do you see the fern and the bamboo? Fern and the bamboo के वहाँ पे वो गया. Fern and the bamboo क्या होता है, ठीक है, और fern, ठीक है, fern and the bamboo. I replied yes. When I planted the fern and the bamboo seeds, I took very good care of them. तो उसने कहा, अंदर की उसकी इनर वॉइस ने कहा, आसपास देखो क्या तुम फर्न और बैम्बू देख सकते हो. उसने कहा yes. I replied yes. When I planted the fern and bamboo seeds, I took very good care of them. उसने कहा जब मैंने इन्हें प्लांट किया था तो मैंने उनकी बहुत अच्छे से केयर करी थी, देख रेख करी थी. I gave them light. Light भी दी, light मतलब sun की light, ठीक है. आई गेव देम वाटर, मैंने उन्हें पानी भी दिया. द फर्न क्विकली ग्रो फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से वो फटाफट ग्रो होने लगी. इट्स ब्रिलियंट ग्रीन कवर्ड द ग्राउंड, और इतनी अच्छी ग्रो कर गई जो ग्राउंड का उसने पूरी तरीके से अच्छे से कवर उसने कर लिया. येट नथिंग केम फ्रॉम द बैम्बू सीड, लेकिन बैम्बू सीड से तब तक कुछ नहीं आया था. बट आई डिड नॉट क्विट ऑन द बैम्बू, लेकिन फिर भी ना आने के बाद भी फर्न तो निकल आई थी. फर्न बेटा छोटे जो आपके होते हैं ना, फर्न, हर्ब, श्रब्स, एक फ्लावर की शॉप भी है बेटा. फर्न्स एक छोटे फ्लावर्स आप कह सकते हो, पेटल्स कह सकते हो, बिल्कुल जो ग्राउंड पे उगते हैं वो होते हैं फर्न्स, ठीक है. जैसे हर्ब श्रब्स होते हैं वैसे फर्न्स होते हैं. तो वो कह रहा है कि हाँ बैम्बू नहीं निकल रहे थे, बैम्बू प्लांट नहीं निकल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें गिव अप नहीं किया, क्विट नहीं किया. इन द सेकेंड ईयर द फर्न ग्रू मोर वाइब्रेंट, फुल एंड रिच एंड प्लेंटीफुल. लेकिन सेकेंड ईयर आते आते फर्न तो और अच्छी खिल गई. वाइब्रेंट मतलब फुल और रिच, एकदम खिली हुई, कहते हैं ना बड़ा खिला हुआ पौधा है, तो एकदम खिली हुई. और प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वान्टिटी में वो खिल गई. स्टिल नथिंग केम फ्रॉम द बैम्बू सीड, दो साल हो गए फिर भी कुछ नहीं आया. बट आई डिड नॉट क्विट ऑन द बैम्बू, फिर भी मैंने बैम्बू पे क्विट नहीं किया. आई हर्ड द स्टिल वॉइस कंटिन्यू, इन ईयर थ्री देयर वॉज स्टिल नथिंग फ्रॉम द बैम्बू सीड, बट आई वुड नॉट क्विट. लेकिन फिर उसने अंदर की आवाज़ ने उसको कहा कि जब तीसरा साल भी आ गया, थर्ड ईयर भी आ गया, तो भी तुमने अपने दिल से क्या कहा कि नहीं मैं बैम्बू सीड पे क्विट करूँगा ही नहीं, जितना मर्जी टाइम लग जाए. In year 4 again there was nothing for the bamboo seed, I would not quit. 4 साल हो गए थे सर, 4 years is a big time. हम दो दिन में ही हम लोग कितना पेशेंस खो देते, अरे ये नहीं हो रहा मैं छोड़ो. सोचो उसने 4 साल वेट करा, लेकिन फिर भी उसने बैम्बू ट्री स्टिक पे, सीड पे नहीं गिव अप किया. देन इन द 5th ईयर अ टाइनी स्प्राउट, अ न्यू ग्रोथ फ्रॉम अ प्लांट, बर्ड, सीड एक्सेट्रा emerged. Emerged मतलब केम आउट.
थोड़ी फिफ्थ ईयर में आते आते एक छोटा सा स्प्राउट, एक छोटा सा टाइनी सा पौधा उसे दिखने लगा। बर्ड जो होता है ना ऐसे, वो छोटी सी वो दिखने लगी। बी आई आर डी वाली बर्ड नहीं, बी यू डी वाली बर्ड, जो फ्लावर का बर्ड होता है, फ्लावर बर्ड होता है जो, वो फ्लावर बर्ड उसे दिखने लगा अर्थ के अंदर से आता हुआ। कंपेयर टू द फर्न इट वॉज सीमिंगली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। कह रहा है अब फर्न तो इतनी ज़्यादा, 5 सालों में सोचो कितनी हो गई, 1 साल में ही बहुत हो गई थी, प्लेंटीफुल। तो वो कह रहा है कि उसके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट जस्ट 6 मंथ्स लेटर और विद इन 5 ईयर्स के बाद, 5.5 ईयर्स के बाद, 5.6 मंथ्स के बाद ही, 5.5 मंथ्स के बाद द बैम्बू रोज ओवर 100 फीट टॉल। 5 साल बाद कहाँ वो फर्न से भी कंपेयर नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा था, और कहाँ पे वो एकदम 100 फीट टॉल ऊपर तक आ गया। आई हर्ड माई इनर वॉइस अगेन, आई हैड स्पेंड द 5 ईयर्स ग्रोइंग रूट्स। वो कह रहा है उसकी अंदर आवाज़ ने क्या कहा कि मैंने अच्छे से उसके जो रूट्स हैं, रूट मतलब जड़ें, उनको इतना मजबूत कर दिया कि वो अब आज 100 फीट तक अड़ी। हमारे पेरेंट्स भी क्या हैं, हमारे हमें अच्छा रूट देना चाहते हैं, अच्छा बेस देना चाहते हैं ना, ताकि हम बड़े होके अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें, कोई चीज़ को गिव अप ना करें जल्दी, हर चीज़ का सलूशन हम खुद ही फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आई हर्ड माई इनर वॉइस अगेन, आई हैड स्पेंड द 5 ईयर्स ग्रोइंग रूट्स, दोज रूट्स मेड इट स्ट्रॉन्ग। वही बात आ गई कि हम उनके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने 5 साल दिए, बेस तो पक्का हुआ ना, फिर अच्छा हुआ ना, उसके बाद 5 साल के बाद सोचो इतना लंबा बैम्बू प्लांट निकल आया। मेरी इनर वॉइस ने मुझे कहा दीज रूट्स मेड इट स्ट्रॉन्ग एंड गेव इट व्हाट इट नीडेड टू सर्वाइव। आई वुड नॉट गिव एनी ऑफ माई क्रिएशंस अ चैलेंज इट कुड नॉट हैंडल। वो कह रहे हैं उसके रूट को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब वो कभी भी कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। 5 साल में उसका रूट इतने पक्के, उसके जड़ इतने पक्के कर दिए। आई वुड नॉट गिव एनी ऑफ माई क्रिएशंस अ चैलेंज इट कुड नॉट हैंडल। मैं अपने क्रिएशन को कुछ ऐसा नहीं दूंगा जो हम हैंडल नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आई हर्ड माई इनर वॉइस अगेन, फिर से मेरी अंदर आत्मा की आवाज़ ने कहा डू यू नो माई चाइल्ड दैट्स ऑल दिस टाइम यू हैव बीन स्ट्रगलिंग यू हैव एक्चुअली बीन ग्रोइंग रूट्स। वो कह रहे हैं अब ये तुम्हारा भी तो स्ट्रगल था, उसके साथ साथ तुम्हारा भी स्ट्रगल था, उसके रूट्स के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, उसके रूट्स के साथ साथ तुम अपने भी रूट्स को मजबूत कर रहे थे। तुम्हारे अंदर 5 साल तुमने अपने अंदर पेशेंस देखा, गिव अप करने की भावना नहीं थी तुम्हारे अंदर, कि तुमने गिव अप नहीं किया, करेज रखा, बहादुरी रखी, तुमने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा, विल पावर रखी। तो ये सब क्या है, ये क्वालिटीज़ हो गई ना पर्सन के अंदर, वो क्वालिटीज़ इनबिल्ट हुई ना इतने टाइम में, उसके अंदर उसके भी तो रूट्स अच्छे हुए, स्ट्रांग हो गए ना। यही बताना चाह रही हूँ, यू हैव एक्चुअली बीन ग्रोइंग रूट्स वुड नॉट क्विट ऑन द बैम्बू। तुमने अच्छी ऐसी जड़ें बोई और तुमने बैम्बू पे क्विट नहीं किया। आई विल नेवर क्विट ऑन यू, मैं भी तुम पे क्विट नहीं करूँगा। देन कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स इट एडेड। ऐसे ही उसने कहा खुद को दूसरों से कंपेयर करो, जैसे तुम फर्न को बैम्बू से कर रहे थे कि अरे फर्न तो इतना ज़्यादा प्लेंटीफुल हो गया और बैम्बू जो है वो थोड़ा भी नहीं हुआ 5 साल में, लेकिन फिर जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई तो वो कितना बढ़िया निकल गया है ना। तो वो यही कह रहा है कि तुम भी कंपेयर करो ज़रा अपने आप को किसी और से, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास जड़ें अच्छी हैं, तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे बंदे में नहीं है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स इट एडेड। अपने को कभी कंपेयर मत करो किसी से। द बैम्बू हैड अ डिफरेंट पर्पस दैन द फर्म। बैम्बू का पर्पस डिफरेंट है, उसका पर्पस डिफरेंट है, उसे कुछ और बनना है, उसका पर्पस डिफरेंट है, उसे कुछ और बनना है। हम फर्न और बैम्बू को नहीं कंपेयर कर सकते। हो सकता है वो 2 साल बाद कुछ बने, वो 2 साल पहले बन जाए, लेकिन उस टाइम में उस स्ट्रगल में उसने बहुत कुछ सीखा होगा ना, है ना। उसका अपना पर्पस है, उसका अपना टाइम लिमिटेशन है। अगर उसने डॉक्टर बनना होगा तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अगर उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होगा तो वो 2 साल में प्रोफेशनल कोर्स, 3 ईयर्स में प्रोफेशनल कोर्स करके वो जॉब ले लेगी, ठीक है।
द बैम्बू हैड अ डिफरेंट पर्पज देन द फर्म येट बोथ मेक द फॉरेस्ट ब्यूटिफुल. पर पूरे वर्ल्ड को या फिर हमारे इस कंट्री को बना तो सभी यूथ ब्यूटीफुल रहे ना, तुम सब मिलके ब्यूटीफुल बनाओगे ना. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कोई ब्यूटिशियन है, कोई कुछ है, कोई आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई डेंटिस्ट है, तो मिलके सब ब्यूटीफुल बना रहे हैं ना. सबका अलग अलग काम है ना, लेकिन इस वर्ल्ड में तो सबने ब्यूटीफुल बनाया हुआ ना. फर्न और बैम्बू अलग अलग हैं, उनका अपना अपना काम है, अपने अपने टाइम से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ब्यूटीफुल तो दोनों ने ही करा हुआ है ना. येट बोथ मेक द फॉरेस्ट ब्यूटीफुल माई इनर वॉइस एनकरेज एंड गेव होप मी योर टाइम विल कम. मेरी अंदर आत्मा ने मुझे कहा कि तुम जैसे ये फॉरेस्ट ब्यूटीफुल है, अपना एनकरेज रखो, गिव अप मत, होप को छोड़ो बस, अपनी आस को ख़त्म मत होने दो, तुम्हारा टाइम भी आएगा. यू विल राइज हाई, तुम भी आसमान छूओगे. आई आस्क हाई हाई शुड आई, हाउ हाई शुड आई राइज, कितना ऊंचा मुझे जाना चाहिए. आई वॉज कन्फ्यूज मिक्सड अप इन द माइंड एज आई हर्ड दैट स्टिल स्मॉल वॉइस से एज हाई एज यू कैन एंड येस आई सेड गिव गॉड द ग्लोरी बाई राइजिंग एज हाई एज यू कैन. उसने कहा, मेरी अंदर आत्मा ने बोला, आई हर्ड दैट स्टिल मैनी वॉइस से एज हाई एज यू कैन, इतना ऊंचा जितना तुम्हारा मन चाहे, जितना तुम छूना चाहो. आगे बढ़ने की कोई लिमिट थोड़ी है, अचीव करने की कुछ लिमिट थोड़ी है. तुम्हें जो अचीव करना है, जितना ऊंचा जाना है, जितना आगे जाना है, वहाँ जा सकते हो. एंड येस आई सेड गिव गॉड ग्लोरी, गिव गॉड द ग्लोरी बाय राइजिंग एज हाई एज आई कैन. तो वो कहता है गिव गॉड द ग्लोरी, मतलब मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी ग्लोरी दो, मुझे ऐसी ब्रेन दो कि मैं आगे चलता चला जाऊँ जितना भी मैं जा सकता हूँ. आफ्टर दिस कन्वर्सेशन आई लेफ्ट द फॉरेस्ट एंड आई रोड दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई रियली होप दैट दीज वर्ड्स कैन हेल्प यू टू सी द गॉड विल नेवर गिव अप ऑन यू. वो कह रहा है कि हम तो एक बार को अपने पे गिव अप करने की सोचते हैं, हम स्ट्रगल नहीं करते हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठे हैं ना, वो इनर वॉइस किसकी थी? वो ऊपर वाले की. आपकी इनर वॉइस ही गॉड की वॉइस होती है. गॉड ने हमें क्यों बनाया कि हम अपने एक्शंस खुद लें? हमारे पेरेंट्स को क्यों भेजा है? ताकि हमें बचपन से हमें एक अच्छा रूट दिया जाए, हमें एक अच्छी जड़ दी जाए, मजबूत जड़, स्ट्रांग दी जाए, ताकि हम बाकी जहाँ भी जाएं उस एरिया को ब्यूटीफुल बना सके. जैसे फर्न ऑफ बैम्बू कर रहे हैं, उस एरिया को वहाँ जाके अपनी जड़ें मजबूत करके, ग्रो करके उस एरिया को ब्यूटीफुल बना रहे हैं. ऐसे ही पेरेंट्स ने हमें अच्छा ब्रिंगअप करा है, हमें अच्छा हमें वैल्यूज़ दिए हैं, ताकि हम जहाँ भी जाएं हम एक अपना प्रिंट छोड़ सकें. ठीक है, तो वो कह रहे हैं मैंने वो कन्वर्सेशन ख़त्म करी, मैंने फॉरेस्ट छोड़ा और मैंने ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस लिखा. आई रियली होप दीज वर्ड्स कैन हेल्प यू टू सी दैट गॉड विल नेवर गिव अप ऑन यू. तो क्या लेसन्स हमने रीड करे हैं इसमें? ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट अलाइक. हम सबको पता है सब एक जैसे नहीं है. मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आप मेरी तरह नहीं है. हो सकता है जो चीज़ मैं अच्छी करती हूँ आप ना करते हो, और जो आप अच्छी करते हो. आई एम नॉट गुड एट आर्ट, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है, मेरी क्राफ्ट अच्छी है, लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है. किसी की कलरिंग अच्छी होती है, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है. ठीक है ना? सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. हमें कभी भी किसी को किसी से कंपेयर या खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए. सारी फिंगर्स एक बराबर नहीं है ना, इसकी थंब की अपनी ब्यूटी है. जब भी हमें कुछ प्रेस करना होता है हम ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करना होता है ऐसे, इसकी अपनी ब्यूटी है, इसकी अपनी ब्यूटी है ना. लिसन टू योर इनर वॉइस, हमेशा अपनी अंदर आत्मा की भी बात सुननी चाहिए और प्रैक्टिकली देख के चीज़ों का डिसीजन लेना चाहिए, माइंड भी यूज़ करना चाहिए. यू शुड नेवर 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 गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. होप रखनी चाहिए हमेशा कि हाँ ठीक है, आज ऐसा टाइम है तो कल और भी कोई होगा. बी पेशेंट, योर रूट्स आर ग्रोइंग. थोड़ा सा पेशेंस रखो. वो स्ट्रगल तो आप कर रहे हो, अगर वो आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, आप स्ट्रगल तो कर रहे हो, लेकिन आपके रूट्स जो हैं वो उतने टाइम में स्ट्रांग हो रहे हैं ना. अगर आपका आज, अब आप इस क्लास में हो, आप सीधे 12th में तो नहीं जा सकते,
ये रूट्स तो आपके तो पक्के हो रहे हैं ना, स्ट्रगल लाइफ चल रही है ना आपकी, आपको अचीव करना ना अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं इस टाइम पे, कि हाँ हमें 10th 12th में भी और अच्छे मार्क्स। आप अपना बेस अच्छा करोगे तभी तो 10th 12th भी अच्छा पढ़ पाओगे, बोर्ड्स अच्छे दे पाओगे। अभी कुछ नहीं आता होगा तो आगे क्या करोगे, बेस ही खराब हो जाएगा। तभी कहते हैं ना बेस अच्छा रखो। यू मे बी इनसिग्निफिकेंट एट फर्स्ट बट सम डे यू विल राइज टू ग्रेट हाइट। तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंट नहीं, कुछ खास काम नहीं है, शायद घर में भी कोई काम नहीं है ज़्यादा, यहाँ भी कोई काम नहीं है, टीचर पढ़ा रही है, घर में घर वाले काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम कितना ऊँचा जा सकते हो, कितना सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये तुम्हारी ग्रोथ का टाइम है, ये तुम्हारा जो रूट है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे अंदर पेशेंस आ रहा है, तुम्हें पता है कि हाँ हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होती है। 5 years लग गए उसको बैम्बू प्लांट ग्रो करने में, स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो हुआ ना, उसने गिव अप नहीं करा, तो गॉड इज़ देयर, गॉड देख रहा था उसके पेशेंस को, कहीं ना कहीं गॉड का भी हाथ होगा ना उसमें। ये जो नेचर और ये सब है ये कैसे आया है, तो गॉड तो है ना, इसका मतलब खुद से तो ऐसे नहीं आया ना, तो इसीलिए गॉड तो देख रहे हैं आपको और वो एट लास्ट हेल्प करते हैं, वो पहले आपकी पेशेंस चेक करते हैं कि आप में कितनी पेशेंस है, कितना टाइम आप वेट करोगे, ठीक है। और आपके लिए पता नहीं होता, हम आज सोच रहे होते अरे हमें ये बुक चाहिए, आपको क्या पता आपके लिए 4 books और पढ़ी हो, आप एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आपको क्या पता गॉड ने आपके लिए कितनी चीज़ें आगे ओपन कर रखी हैं, कितने रोज ओपन कर रखे हैं, कि चलो अब तुम्हारी मर्जी जो करो, वो पेशेंस चेक कर दें, ठीक है। यू मे बी इनसिग्निफिकेंट एट फर्स्ट, एट फर्स्ट आपको लगेगा कि आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आप लास्ट में सम डे यू विल राइज हाई टू ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊँचा जाओगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। लाइफ एप्लीकेशन, बी अ डूअर नॉट अ हियरर, सिर्फ कहने वाले मत बनो, सुनने वाले मत बनो, काम करने वाले बनो, डूअर बनो। आई विल नेवर कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स बिकॉज आई नो गॉड हैज़ मेड ईच ऑफ अस डिफरेंट। मैं कभी खुद को अपने से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है भगवान ने सबको एक समान नहीं बनाया है, डिफरेंट बनाया है। आई विल ऑलवेज लिसन टू माई इनर वॉइस, मैं हमेशा अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनूंगा। आई विल नेवर क्विट द वर्क आई सेट आउट टू डू बिकॉज गॉड नेवर गिव्स ऑन गिव अप ऑन मी। मैं कभी भी वो काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, उस काम पे गिव अप नहीं करूंगा जो मैं करने निकला हूँ, क्योंकि भगवान भी मेरे ऊपर गिव अप आज तक नहीं किया। वो भी तो कह सकते हैं अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, आओ दूसरे पे ध्यान दो, लेकिन गॉड के लिए सब बच्चे इक्वल हैं अपने, वो कभी भी किसी पे गिव अप नहीं करते, बस वो तुम्हारा पेशेंस चेक करते हैं। आई विल रिमेंबर टू बी पेशेंट, आ गई वो बात, आई विल रिमेंबर, मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे पेशेंस रखना है, नोइंग दैट गॉड इज़ अ परफेक्ट डूइंग अ परफेक्ट वर्ड वर्क इन एंड थ्रू मी। अभी मैंने बात बोली, हमें नहीं पता होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए, गॉड ने हमारे लिए और पाथ्स ओपन करे होते हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैं पेशेंस ना भूलूँ अपना, गॉड पे ट्रस्ट करूँ, नोइंग दैट गॉड इज़ डूइंग अ परफेक्ट वर्क, मेरे थ्रू गॉड परफेक्ट काम करा रहे हैं, मेरे थ्रू कराएंगे तो मेरे थ्रू ही ना, ये उनकी प्लानिंग है, उन्होंने पहले से ऑल सेट है उनका, है ना, उन्होंने सोच रखा है इस बच्चे के साथ कैसे क्या होना है, क्या होगा, बस ये पेशेंस रखेगा तो इसके लिए स्ट्रगल कम हो जाएगा आगे, अभी तो कर रहा है लेकिन आगे कम हो जाएगा, वो गिव अप नहीं करते। आई एम ए सीम वेरी इनसिग्निफिकेंट टू दोज अराउंड मी, लोगों को लगता होगा अरे इसका तो कोई काम ही नहीं है, करता ही क्या है ये, बट आई विल कीप इन माइंड दैट इफ आई लव गॉड वन डे आई विल राइज एंड शाइन। लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि आज मे बी मैं थोड़ा इनसिग्निफिकेंट लग रहा हूँ, मेरा कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लग रहा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस कोई वैल्यू नहीं लग रही, लेकिन मुझे ये माइंड में रखना है कि मैं अगर भगवान पे भरोसा रखूँगा, खुद पे भरोसा रखूँगा, तो मैं बहुत ही आगे जाके राइज एंड शाइन करूँगा।